हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस डिजिटल्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको पेंशन योजना के जो ऑनलाइन आवेदन भरे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप वृद्धा पेंशन और कल्याणी पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आपको इसमें कितनी पेंशन मिलेगी और इसकी पात्रता क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको कब कब कितनी पेंशन मिलती आ रही है, किस महीने में आपको पेंशन नहीं मिली है, या किसी महीने की आपको एक साथ एक ही महीने में दो पेंशन डाल दी गई हो, तो ये सारा डिटेल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कौन कौन सी स्कीम में आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए आपको एक पेंशन मिल रही है तो आप दूसरी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी नई नई जानकारी हम देते रहते हैं, साथ ही आप ऑनलाइन काम भी सीखते हैं इसके साथ ही घर पर कैसे करना है। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एमएस डिजिटल्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो। इसके लिए गूगल पर सर्च करेंगे पेंशन पोर्टल। जैसे आप पेंशन पोर्टल सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना मध्य प्रदेश पेंशन पोर्टल पर। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दिखाएगा योजनाओं के हेतु पात्रता, जो जानना है आपको कि आप पात्र हैं या नहीं, इस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आप किस किस योजना के लिए पात्र हैं। तो आपके सामने ये वाला फॉर्म खुलेगा, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप ये पूरा डिटेल दिखा रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हमें चेक नहीं करना है, हमें अपनी पात्रता जानना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक चूज़ कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। इसके बाद वैवाहिक स्थिति वो चूज़ कर लेंगे हम। फिर यहाँ पे यस और नो करना है आपको, हाँ या नहीं। तो जो भी आप, जैसे आपके पास कार्ड है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है आपको। आप निराश्रित हैं तो हाँ या नहीं यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद आप यदि विकलांग हैं या कुछ तो वो आपको यस नो कर देना है। यस करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, आप नहीं करेंगे तो नहीं पर क्लिक रहेगा। इसके बाद आपको अपनी एज उम्र डालना है, कितने साल के आप हैं, क्या आप रिटर्न भरते हैं। उसके बाद आपके यहाँ केवल लड़कियाँ ही आपकी संतान हैं तो वो यस नो कर देना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही देखिए हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिखा रहा है आप पात्रता में, ये देखिए 600 रुपये की राशि दिखा रही है, इसके लिए आप पात्र हैं। ठीक है, अभी नीचे देखिए सब में पात्र नहीं है लिखा हुआ है, आप यहाँ से आवेदन करेंगे अब जिस चीज़ के लिए पात्र हैं। तो अब यहाँ पर आप अपना ज़िला चूज़ कर लीजिए, इसके बाद आपका जो भी निकाय है वो चूज़ कर लीजिए। यहाँ अपना सदस्य आईडी डालिए, ये 9 अंकों में होता है, उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे हम एक डेमो के लिए आपको एक आईडी डाल के दिखाते हैं। अब देखिए इस आईडी को डालने के बाद हम पेंशन हेतु आवेदन जो लिखा है ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि योजना के लिए पात्र नहीं है, मतलब ये व्यक्ति की आईडी हमने जो डाली है जो भी है ये पात्र नहीं है। तो अब हम क्या है, जो पात्र हैं उनकी डालेंगे। तो चलिए नई वाली आईडी हम डाल लेते हैं यहाँ पर 9 अंकों की, जो पात्र हैं, जिस प्रकार का डिटेल हमने सामने दिया है उससे रिलेटेड व्यक्ति की हम आईडी डालेंगे ताकि हम उनकी योजना के लिए अप्लाई भी कर सकें। चलिए ये हमने डाल लिया है आपका समग्र आईडी का जो सदस्य नंबर होता है वो। अब हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नीचे क्लिक करेंगे इनका सारा डिटेल आगे देखिए, पहले से ये 600 रुपये जो इनको मिल रही है, ये पेंशन आपको वृद्धा पेंशन सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन जो है ये इनको मिल रही है, यहाँ पर दिखा रहा है 600 रुपये इनको मिल रही है। दूसरी ये एलिजिबल है कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए, यदि इनकी पुत्रियाँ हैं तो ये इनको इसके लिए भी एक पेंशन मिलेगी, दो पेंशन के लिए पात्र हैं ये। तो पहली तो इनको मिल ही रही है, दूसरी के लिए देखते हैं हम अभी, ये सारा डिटेल है यहाँ पर इनका, पूरा समग्र आईडी का जो डिटेल है वो यहाँ पर ओपन होता है। अब देखिए यहाँ पे इनका बैंक अकाउंट दिया हुआ है, इन्हें किस बैंक अकाउंट में मिल रही है आप पुष्टि करते हैं यहाँ पर, डिटेल पूरी फिल कर दीजिए। क्या देखिए यहाँ पर एक और पेंशन के लिए जो दिखा रहा है यहाँ पर आपको टिक कर देना है इनको। अब देखिए नीचे यहाँ पर दिखा रहा है कि घोषणा कर रहे हैं ये कि ये आयकर दाता नहीं है। नीचे पहले हम यहाँ पर देख ले रहे हैं पूरा, आप डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा।
ये कन्या अभिभावक पेंशन योजना है, इसमें देखिए ये दिखा रहा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं आयकरदाता नहीं, इस पर आपको टिक करना है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सभी संतान पुत्री हैं। उसके बाद इस योजना के लिए पूर्व में कोई भी परिवार के व्यक्ति का आवेदन नहीं है, इसमें ये आपको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे यहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, सबसे पहले आपको इसमें अपना एक फ़ोटो अपलोड कर देना है। जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद देखिए नीचे आपको एक आईडी अपलोड करनी होगी, तो आईडी में नीचे दिखा रहा आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसमें से अंदर जाके देखते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप चूज़ कर लीजिए, एक डॉक्यूमेंट कोई भी आप सेलेक्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। पात्रता पर्ची भी कर सकते हैं आप, यदि आप पात्रता पर्ची आपको मिलती है तो उसे ई राशन कार्ड भी कहा जाता है। चलिए इनमें से आप सब जो भी हैं वो सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी एक आधार कार्ड मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आवेदन करने पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे आपका आवेदन पहुँच जाएगा ब्लॉक लेवल पे, आपकी नगर पालिका जो है वहाँ पहुँचेगा, फिर उस पर प्रोसेस हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना स्टेटस जाके नगर पालिका में या वहाँ से पता कर सकते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है। चलिए अब हमने अप्लाई भी कर दिया और पात्रता भी जान ली है हमने। अब हम क्या करेंगे, अपनी पासबुक देखेंगे कि हमने कब कब पेंशन को प्राप्त किया है। इसे देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना समग्र आईडी डालना है, इसके बाद आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लेना। जैसे इस साल का देखना है आपको तो इस साल के लिए 2020-2021 ये चूज़ करना पड़ेगा आपको। समग्र आईडी डाल लिया, अब हम 2020-21 चूज़ कर लेंगे। नीचे ये कैप्चा कोड दिखा रहा है, इसको आपको यहाँ नीचे टाइप करना है। चलिए कैप्चा को टाइप कर लेते हैं, इसके बाद शो डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको कब कब किस किस महीने में कितना पेंशन मिला है, आपको कितनी तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ये सारा डिटेल ओपन हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस महीने में किस अकाउंट में आपको कितने रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। मंथ वाइज दिखाता है इसमें किस महीने का कितने रुपए है, साथ ही कौन सी पेंशन आपको अकाउंट में मिल रही है वो पेंशन का नाम भी दिखाएगा। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये था सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर पेंशन आने तक का प्रोसेस पूरा, कि किस तरह से आप पेंशन के लिए पात्रता जानेंगे, कौन कौन सी पेंशन के लिए आप एलिजिबल हैं और उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कब से आपकी पेंशन चालू हुई है और हर महीने आपकी पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है, ये सारा चीज़ हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो तो हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।